पेट्रोल पंप के नजदीक एक बिल्डिंग में भयानक आग लगी। तस्वीरें सामने। दरअसल मामला जो है फिलौर से सामने आया, जहां पर फिलौर के पेट्रोल पंप के बिल्कुल नजदीक बिल्डिंग में जो है आधी रात भयानक आग लगी। आग लगते ही तुरंत सूचना जो है फायर ब्रिगेड को दी गई, जहां पर लुधियाना, फिलौर और फगवाड़ा से जो है फायर ब्रिगेड की 2 दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाना शुरू किया। मिली जानकारी के मुताबिक रात को तकरीबन 1 बजे तक बिल्डिंग में जो है अचानक आग लगी। फायर ब्रिगेड की तरफ से लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 6-7 घंटे बीत जाने के बावजूद भी आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है। ऐसे में आग लगने के कारण किसी भी किस्म के जानी नुकसान की सूचना नहीं मिली है, लेकिन आग बहुत ही भयानक लगी है। तस्वीरें सामने आई हैं। ऐसे में आग लगने के कारण का भी अभी कुछ पता नहीं लग पा रहा है। ऐसे में बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग के साथ ही कबाड़ पड़ा हुआ है, तो इसी के तहत बिल्डिंग के बिल्कुल साथ ही इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप भी है। इस बिल्डिंग के पिछले साइड देखा जाए तो मैया भगवान जी का डेरा भी है, जहां पर बड़ी गिनती में जो है संगत है नतमस्तक होने के लिए आती। खबर वहीं लिखे जाने तक जो है आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही। तो ये तस्वीरें सामने हैं, लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही, लेकिन आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया। फिलहाल मामला फिलौर से सामने आया, जहां पर तकरीबन रात 1 बजे पेट्रोल पंप के नजदीक एक बिल्डिंग में जो है भयानक आग लग जाती है। और इसी दौरान जो लुधियाना, फगवाड़ा, फिलौर से जो है 2 दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचती है, लगातार आग पर काबू पाने की जो है कोशिश कर रही है।